लॉकडाउन का पालन कराने के लिए पुलिस कर्मियों के द्वारा दिन और रात ड्यूटी की जा रही है। इसी को लेकर क्षेत्राधिकारी गोवर्धन के द्वारा समस्त पुलिस कर्मियों को ब्रीफ कर संयमित होकर कार्य करने के निर्देश दिए गए। कोरोना महामारी में जहां पुलिस कर्मी कड़ी धूप में सुबह से लेकर शाम तक और रात से लेकर सुबह तक अपनी तत्परता से ड्यूटी कर रहे हैं, जिसके चलते कई बार मानसिक तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है, ऐसी ही स्थितियों से निपटने के लिए आज क्षेत्राधिकारी गोवर्धन जितेंद्र कुमार ने गोवर्धन क्षेत्र के समस्त पुलिस कर्मियों को ब्रीफिंग करते हुए समझाया कि संयमित रहते हुए मानसिक तनाव को किस प्रकार से नियंत्रण में रखना है और किस प्रकार से बाहर घूमने वाले लोगों के साथ व्यवहार करना है। क्षेत्राधिकारी ने बताया कि लगभग 70-80% लोग पुलिस के लोगों की बातों को प्यार से मानकर नियमों का पालन कर रहे हैं। वहीं कुछ शरारती तत्व ऐसे हैं जो बार बार समझाने के बाद भी मानते नहीं हैं। ऐसे लोगों को सख्ती के साथ साथ प्यार से समझाकर लॉकडाउन का पालन कराना है। यह बड़ी जिम्मेदारी बड़े ही विवेक और संयमित ढंग से पुलिस कर्मियों को निभानी होगी और खुद भी लॉकडाउन का पालन करते हुए उचित दूरी बनाकर अपनी ड्यूटी निभानी होगी। वहीं इस मौके पर सामुदायिक चिकित्सा केंद्र के डॉक्टर रूपेन्द्र सिंह ने पुलिस कर्मियों को सुरक्षित रखने और स्वस्थ रखने संबंधी बचाव के उपाय समझाए। वहीं क्षेत्राधिकारी गोवर्धन ने बेवजह लोगों के साथ मारपीट और उत्पीड़न न करने के भी निर्देश पुलिस कर्मियों को दिए। थाना प्रभारी लोकेश भाटी ने सभी पुलिस कर्मियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के निर्देश दिए। इस मौके पर सभी पुलिस कर्मियों का डॉक्टरों द्वारा टेम्परेचर मीटर लगाकर स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। जैसे बदतमीजी नहीं करनी है, मारपीट नहीं करनी है, संयम से बड़े ही की लाइन और दो कदम आगे 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 धैर्य से हम लोगों को यह कार्य अंजाम देना है। अक्सर कर रही है पुलिस ओवर एक्शन से, मतलब आपने उससे बात की नहीं, पटारा चला, ये तो सफाई कर्मी था, ये डॉक्टर साहब थे, ये स्वास्थ्य कर्मी थे, या ये फला बैंक के कर्मचारी थे। पहले आप धैर्य से उसकी बात सुन लें एक बार, और यदि आपको लगता है कि ये साले लोफर है, लफंडर है, तो दूर से दिखाई दे जाता है और अक्सर आप लोगों के हाथ में नहीं आता है। तो पहले आप चीजों को देख लें, समझ लें, उसके बाद आप अपना रिएक्शन दें, और रिएक्शन भी उस तरीके से देने की कोशिश करें, प्रयास करें, और कोशिश ये करें कि यदि कोई इस तरीके की इंसिडेंट आपको लग रहा है कि ये आगे जाके आपको दिक्कत करेगा, तो आप उसकी रिकॉर्डिंग जरूर कराएं। टू व्हीलर